मारूफ आलमदीन अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल कर गए। वो कई रोज से कराची के निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेर इलाज थे। के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जो पहला जुमला है कुरान मजीद का, अल्लाह के बाद रहमान और रहीम को रखा, तो अगर अल्लाह समझ में आ गया तो ये लफ्ज़ रहमान और लफ्ज़ रहीम दोनों समझ में आ जाएंगे। अल्लामा तालिब जौहरी 27 अगस्त 1939 को मशहूर आलमदीन अल्लामा मुफ्ती खान जौहर के यहाँ पैदा हुए। अल्लामा तालिब जौहरी की कई जहतें थीं। एक जानब वो अदीब थे तो दूसरी जानब शायर भी थे। एक तरफ शोला बयान जाकिर और दूसरी जानब साहिब असलूब मुकर्रर। उसके अलावा वो मर्रख के साथ साथ फलसफी भी थे। लकद आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। हबीब हमने तुम्हें सबे मसानी अता किए और कुरान मजीद को अता किया। यानी ये इतनी अहम शय है सूरह हम्द। ये 7 आयतें इतनी अहम है कि कुरान का तज़किरा अलग है और इन 7 आयतों का तज़किरा अलग है। अल्लामा तालिब जौहरी को कई बरसों से पाकिस्तानी उलमा में मरकजी हैसियत हासिल थी। कराची के नश्तर पार्क में शाम गरिमा की मजलिस से अल्लामा तालिब जौहरी की शोहरत पाकिस्तान और फिर दुनिया भर में फैल गई। अल्लामा तालिब जौहरी फन तकरीर में साहिब असलूब थे। एक दिलनशी मुकर्रर होने के अलावा उन्होंने कई किताबें लिखीं जिनमें कुरान की तफसीर भी शामिल है। उसके अलावा उनकी शायरी के 3 मजमूए शाया हो चुके हैं। 1000 अस्माए हुस्ना जो दुआओं में और कुरान मजीद में पाए जाते हैं, उनमें से हर इस्म उसकी एक सिफत का मजहर है। कोई इस्म कहारियत का मजहर है, कोई गफारियत का मजहर है, कोई रिस्क का मजहर है, कोई खल्क का मजहर है, कोई फना कर देने का मजहर है, कोई दोबारा लौटा देने का मजहर है। तो हर नाम अल्लाह का एक सिफत का मजहर है। अल्लामा तालिब जौहरी को उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। उनके इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीरे आज़म इमरान खान और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। तुमने गिरिया किया हुसैन घोड़े से जमीन पे। सुनोगे हुसैन सजदे में है, तुमने गिरिया किया। मकामात आहो फुगां बहुत हैं लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तुमने गिरिया किया।